हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद येट अनदर अमेजिंग ब्रेकफास्ट आइडिया। तो ये है बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी सा दलिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुकर में एक सर्विंग स्पून जितना देसी घी ले लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे दलिया। तो दलिया आपको जितना भी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। मैंने यहाँ पे 2.5 लेडल्स जो हैं वो दलिया के ले लिए थे और उसको देसी घी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। वैसे मैं दलिया को पहले से ही रोस्ट करके रहती हूँ। घर में पिसवाया हुआ, घर की गेहूं का पिसवाया हुआ दलिया है, तो मैंने इसको पहले से रोस्ट करके रखा था। फाइनली हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, जितना भी इसको, जितना बस इसको बॉईल होने के लिए सफिशियंट हो। तो उसके बाद हमने इसको 2 व्हिसल लगवाने हैं। और फिर मैंने यहाँ पे ले लिए थे कुछ ड्राई फ्रूट्स। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए थे बादाम, अखरोट और खजूर। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे हेल्थ को किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट करते हैं। जैसे ये जो अखरोट हैं वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ऐसा माना जाता है। उसके बाद ये खजूर, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, एट द सेम टाइम दे आर वेरी रिच इन आयरन एंड फाइबर। तो ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं हेल्थ के लिए। और ज़्यादा खजूर नहीं लिए मैंने, सिर्फ 4 खजूर है। और अगर घर में 4 मेंबर्स ये दलिया खाने वाले हैं तो ऑन एन एवरेज हर बंदे को एक ही खजूर इसके हिस्से में आएगा। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि खजूर बड़े गर्म होते हैं और गर्मियों में नहीं खाने चाहिए, लेकिन हम इसकी कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज यहीं नहीं यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे बादाम को मैंने दरदरा सा कूट लिया था, एंड दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। फाइनली हम देखेंगे कि दलिया जो है हमारा वो कैसा बन के तैयार हुआ है। तो जो दलिया वो बिल्कुल रेडी है, जैसे ये खिचड़ी की जैसे लग रहा है इस वक्त। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से दूध ऐड कीजिए। अगर आपको दलिया थोड़ा गाढ़ा पसंद है तो आप थोड़ा कम दूध ऐड कीजिए। अगर आपको दलिया थोड़ा पतला पतला पसंद है तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा दूध ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी अपनी पसंद है। फाइनली मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसे हार्डली 1 या 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और आपका जो दलिया है वो बिल्कुल तैयार है। हाँ, यहाँ पे मैं एक शॉट कैप्चर करना भूल गई थी। लास्ट में मैंने एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी ऐड किया था इसमें। तो आप देखिए, गुड़ ऐड करते ही इसका कलर और जो चमक है वो एकदम से आ गई है इसके अंदर। तो ये हमारा जो पुडिंग या फिर दलिया वो बनके बिल्कुल तैयार है। आई होप मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।